हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोल दो। जैसे सन से जो रेडिएशन आती हैं उसको जब प्रिज्म में से पास करते हैं तो एक स्पेक्ट्रा बनता है, उसको क्या बोलते हैं, सोलर स्पेक्ट्रा। मैं आपको डिफरेंट स्पेक्ट्राज में डिफरेंस बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सन से जो लाइट आती है उसको जब प्रिज्म में से पास करते हैं तो जो स्पेक्ट्रा बनता है उसको सोलर स्पेक्ट्रा कहते हैं। उसके अंदर सिर्फ विजिबल लाइट देखने को मिलती है, सिर्फ विजिबल लाइट होती है, सिर्फ वही पोर्शन देखते हैं जिसमें हम देख सकते हैं। जबकि स्पेक्ट्रा के अलग रीजन्स भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। बहुत बड़ा होता है ये स्पेक्ट्रा, बहुत बड़ा होता है। तो हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको डेफिनेशन याद करने में आसानी होगी। मेरे साथ साथ आप डायग्राम बनाए, प्रैक्टिस भी हो जाएगी उससे और आपकी इंटरेस्ट भी क्रिएट होएगा। ये दो लाइनें लगाएंगे हम, ड्रा दीज टू लाइंस, ये दो लाइनें खींच लें, ड्रा दीज टू लाइंस, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं पैदा करना, जिस तरह से करना है उसी तरह से करना है, एक ही मेथड से करना है। किसी बुक में ऊपर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, किसी में नीचे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो ऐसे नहीं करना एग्जाम में जाके आप कंफ्यूज हो जाओ यार ऊपर थी या नीचे थी। ये थ्योरी में तो आएगा ही आएगा, कंपटीशन में भी एक क्वेश्चन श्योर है इसमें से। तो यहाँ पर आप नीचे वेवलेंथ लेंगे, ऊपर फ्रीक्वेंसी लेंगे। नीचे क्या लेंगे, वेवलेंथ, ऊपर क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी। 10^-16 से स्टार्ट करेंगे, 10^-16 ये हम स्टार्ट करेंगे, 10^24 से, 10^24, 10^-16, 10^24। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे कर लो आप, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, बुक्स कंफ्यूजन पैदा करती हैं। चार चार इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ, इसको चार चार बढ़ाते जाओ। -16 को जब बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, -12। -16 को चार पॉइंट बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, -12। इसको जब चार पॉइंट बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10^-8। इसको चार पॉइंट बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10^-4। 10^-8, 10^-4 और 10^0, 10^-16, -12, 4 पॉइंट, -8, -4, 10^16 से स्टार्ट किया कोई बात नहीं, 10^0 एंड 10^4, 10^24, 10^ ये घटाएंगे अपन, 4 पॉइंट, 20, 10^ 10^16, ये 10^14, रफ सा आइडिया रखना है, कोई ऐसा एग्जैक्ट नहीं, हमें रट्टा नहीं मारना होता। और ये 10^ कितना, 8 हो गया, और ये 10^ कितना हो गया, 4 हो गया ना, 4, 10^4। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। देखो ये बढ़ रहा है, वेवलेंथ लिखी है मैंने, तो वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, -16 से -12 फिर से -8 -4, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस, रेडिएशंस को दिखाया है अपने, रेडिएशंस को हमने जचाया है। कैसे जचाया है, इन कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल छोटी सी बात है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी कम होती है, वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाती है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अभी आपको बताया था सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, फॉर्मूला बताया था ना आपको मैंने,
तो दीज आर इनवर्स टू इच अदर, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, मोर द वेवलेंथ लेसर द फ्रीक्वेंसी, जितनी वेवलेंथ ज़्यादा उतनी फ्रीक्वेंसी कम, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उतनी वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, एक अंदाज़ा वैसे जनरल लाइफ में कर लेते हैं कि चिड़िया फुदकती रहती है ज़्यादा, हाथी धीरे धीरे चलता है, तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, चिड़िया की कि हाथी की, चिड़िया की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, चिड़िया तो लगातार फुदकती रहती है, एक सेकंड में कई बार फुदकती है, हाथी तो कई मिनटों में, एक दो मिनट में एक कदम रखता है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, चिड़िया की। तो आप क्या कहेंगे, चिड़िया ज़्यादा ऊर्जावान है कि हाथी ज़्यादा ऊर्जावान है, चिड़िया ज़्यादा ऊर्जावान है, एनर्जेटिक की बारी आए, टोटल ऊर्जा तो हाथी में ज़्यादा है, वैसे एनर्जेटिक कहें तो चिड़िया ज़्यादा एनर्जेटिक है। तो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, वेवलेंथ का कैसा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और फ्रीक्वेंसी का कैसा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, और ध्यान रखना है जो भी बातें बता रहा हूं मैं, और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कंपटीशन को क्लियर करने के लिए फोकस्ड रहना होता है, हाईली फोकस्ड, एक ही चीज दिखनी चाहिए। जैसे अर्जुन को पूछा गया कि आपको क्या नजर आता है, उसने कहा कि मेरे को तो सिर्फ चिड़िया की आंख ही नजर आती है, तभी वो तीर लगा पाया था, तीर मार पाया था उसके ऊपर। जब हम हाईली फोकस्ड रहेंगे ना, आपको ये रहेगा दिमाग में 24 घंटे IIT ही नजर आएगी और कुछ नजर नहीं आएगा, या मेडिकल के बच्चों को सिर्फ नीट ही नजर आएगा और कुछ नजर नहीं आएगा, तभी आप उसको क्रैक कर पाओगे, नहीं तो नहीं होएगा। तो यू शुड बी हाईली फोकस्ड, मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। किरणों को जचाना है, कैसे जचाना है, उसके बढ़ते हुए क्रम में वेवलेंथ के हिसाब से और उसके घटते हुए क्रम में फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, एक दूसरे से उल्टे इनवर्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले अगर आप ऐसा करेंगे तो सबसे पहले कौन सी रेज आएंगी, कॉस्मिक रेज, ये जरूरी नहीं है बनाना, ये जरूरी नहीं है, आप उसको डिफाइन करना जरूरी नहीं है कि कहाँ तक आएंगी, कॉस्मिक रेज बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसा रफ सा एस्टिमेट बना सकते हैं, कॉस्मिक रेज, उसके बाद कौन सी आती हैं, गामा रेज, एक्स रेज, कॉस्मिक रेज के बाद कौन सी आती हैं, एक्स रेज, उसके बाद कौन सी आती हैं, यूवी, अल्ट्रा वायलेट रेज, उसके बाद कौन सी आती हैं, विजिबल रेज, जिसमें हम देख सकते हैं। तो अब आप देख लो, विजिबल किरणें जिसमें हम देख सकते हैं, तो विजिबल तो सिर्फ 400 से 700 नैनोमीटर तक ही होती हैं। अगर मैं इसको विजिबल को बड़ा करूँ ना, तो ये 400 से 700 नैनोमीटर ही होती हैं, अगर मैं इसको बड़ा करूँ, छोटे से एरिया में आती है इतनी बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो ये दिस रेंजेस फ्रॉम 400 to 700 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर तक होती हैं, ये 750 नैनोमीटर तक ही होती हैं, 400 से 750 नैनोमीटर, ठीक है। लॉन्ग वेवलेंथ कौन सी होती हैं, विबग्योर, आपको पता है ना विबग्योर, तो लंबी वेवलेंथ वाली कौन सी होती है, रेड, और सबसे छोटी वेवलेंथ वाली कौन सी होती है, वायलेट। कंपटीशन क्वेश्चन पूछते हैं कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना है, रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करना है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, लाइट डालने से रिएक्शन फास्ट हो जाती है, कौन सी लाइट डालूं ताकि रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाए, विबग्योर, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की, जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होती है एनर्जी उतनी कैसी होती है, कम, सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वायलेट की, जितनी कम वेवलेंथ उतनी एनर्जी ज़्यादा, इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी वाली डालूंगा तभी तो वो टूटेंगे, रिएक्शन होएगी, तो वायलेट लाइट डालते हैं रिएक्शन के ऊपर, वायलेट लाइट डालते हैं तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाई वी यूज द वायलेट लाइट इन ऑर्डर इन द फोटोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए कौन सी लाइट यूज करते हैं, या वायलेट लाइट क्यों यूज करते हैं, तो आप क्या कहोगे कि विजिबल के स्पेक्ट्रा में सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट लाइट की,
और सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, इसलिए वो बॉन्ड्स को आसानी से तोड़ सकती है, इसलिए रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देती है। एक और क्वेश्चन आता है कि ट्रैफिक सिग्नल्स में रेड लाइट को क्यों यूज़ करते हैं। तो ट्रैफिक सिग्नल्स में रेड लाइट को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ कैसी होती है विजिबल में, सबसे ज़्यादा विजिबल जो हम देख सकते हैं, रेड की वेवलेंथ कैसी होती है सबसे ज़्यादा, जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उतने आप एज्यूम कर सकते हो इसको कि बड़े बड़े कदम लेके चलेगी, बड़े बड़े कदम लेके चलेगी, तो जो बड़े कदम लेके चलेगा वो दूर तक जा पाएगा, छोटा बच्चा छोटे छोटे कदम से चलेगा वो कितनी दूर जा पाएगा। तो रेड लाइट दूर तक पहुंच जाती है, दूर से ही दिख जाती है अपने को, खतरा है तो दूर से ही नज़र आ जाएगा, आप टाइम रहते डिसीजन ले लेंगे, गाड़ी को रोक लेंगे, ठीक है ना। तो रेड लाइट को ट्रैफिक सिग्नल में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है विजिबल में, तो ये दूर से ही देखी जा सकती है। वायलेट लाइट को रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कैसी होती है विजिबल में सबसे कम, और फ्रिक्वेंसी कैसी होती है सबसे ज़्यादा, इसलिए इसके पास एनर्जी कैसी होती है सबसे ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव है रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो विजिबल जोन यूवी विजिबल इंफ्रारेड, इस साइड में क्या आता है इंफ्रारेड रीजन। उसके बाद आएगा माइक्रोवेव, माइक्रोवेव आएगा, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव रीजन, एंड उसके बाद क्या आएगा रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, इसको इस सक्सेशन में आप याद कर लो। कॉस्मिक रेज, गामा भी है, चलो एनसीईआरटी में नहीं दे रखी मैंने, गामा छुड़वा दी बीच में से, गामा रेज, एक्स रेज, गामा भी है, एक्स रेज और कॉस्मिक रेज के बीच में गामा रेज भी आती हैं। कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रो, रेडियो, ठीक है ना। अब इसको कंपेयर करने की कोशिश ना करना कि क्या है, ये कभी भी एग्जाम में नहीं आता, सिर्फ विजिबल का याद रखो कि 400 नैनोमीटर से, नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें बोलते हैं हिंदी में, विजिबल रेज जिसमें हम देख सकते हैं सिर्फ इतने से एरिया में ही देख सकते हैं। एक मजाक की बात है कि अगर भूत हो मान लो और वो विजिबल में ना हो, आईआर में दिखता हो या यूवी में दिखता हो, तो हमें दिखाई देगा क्या, हमें, हम उसको नहीं देख पाएंगे। मान लो भगवान होता हो, विजिबल में ना दिखता हो, मान लो इंफ्रारेड में दिखता हो, तो हमें दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो हम सिर्फ थोड़ा सा ही देख सकते हैं, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें दिखती हैं ना सारी नहीं देख सकते, हम सिर्फ वही देख सकते हैं जो हमारे काम की हैं, विजिबल में ही देख सकते हैं, हम विजिबल जोन में ही देख सकते हैं। कोई चीज़ इंफ्रारेड में पड़ी है या कोई यूवी में पड़ी है वो हमें नहीं दिखाई देगी, उसके लिए अलग से कैमरे आते हैं, इंफ्रारेड कैमरे, अल्ट्रा वायलेट कैमरे, अलग कैमरे आते हैं, वो उसको सेंस कर सकते हैं, ठीक है। कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल रेज, आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इसके हिसाब से जचाया अपने इन किरणों को, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने इनको अरेंज किया है। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा याद होना ही चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक चीज को एक्सप्लेन करूँगा। नंबर वन, कॉस्मिक रेज क्या होती है, कॉस्मिक रेज क्या होती हैं, दीज आर द रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द सन, सन से आ रही हैं, ये वो किरणें हैं जो सन से आ रही हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ कैसी होती है बहुत छोटी सी, वेवलेंथ कैसी होती है बहुत छोटी सी, और फ्रीक्वेंसी कैसी होती है हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। दीज आर वेरी वेरी डैमेजिंग रेज, बहुत खतरनाक किरणें हैं, लेकिन एक किस्मत की बात यह है कि इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, छोटे छोटे कदम हैं, तो ये नीचे तक धरती तक नहीं पहुंच पाती, अगर ये धरती तक पहुंच पाती तो ये बहुत ज़्यादा तहस नहस कर देती, लेकिन प्रकृति ने ऐसा अरेंजमेंट किया है कि जो खतरनाक रेडिएशन होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है ज़्यादा और वेवलेंथ कैसी होती है कम, छोटे कदम, छोटे कदमों से कितना आगे जा पाएगी, ऊपर ही रह जाती है, एटमॉस्फेयर में ख़त्म हो जाती है, नीचे तक नहीं पहुंच पाती। तो दीज आर द हाई एनर्जी रेडिएशंस, हाई एनर्जी रेडिएशंस, दीज आर द हाई एनर्जी रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन, सूर्य से आती हैं, कमिंग फ्रॉम द सन, बट बिकॉज ऑफ वेरी लो, क्योंकि इनका वेरी लो, वेरी स्मॉल वेवलेंथ, दे कैनॉट रीच द अर्थ, वेरी स्मॉल वेवलेंथ, बहुत छोटी वेवलेंथ होती है, देयरफॉर दे कैनॉट रीच अर्थ, अर्थ तक नहीं पहुंच सकती है, ठीक है। कॉस्मिक रेज। नंबर टू, एक्स रेज, एक्स रेज क्या होती हैं,
एक्सरे आर द रेज विच आर प्रोड्यूस्ड. एक्सरे एक प्रकार की किरणें होती हैं जो प्रोड्यूस होती हैं इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करके किसके ऊपर, हैवी मेटल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर. जब हम हैवी मेटल ऑब्जेक्ट ले लेंगे और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बौछार करेंगे तो कुछ किरणें पैदा होती हैं, उन किरणों को क्या बोलते हैं, एक्सरेज. दीज आर द रेज प्रोड्यूस्ड बाय बच्चों ढंग से केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ लोगे ना तो आधे डॉक्टर और इंजीनियर तो प्लस टू में ही बन जाओगे. ठीक है, दीज आर द रेज प्रोड्यूस्ड बाय बम्बार्डिंग हैवी मेटल ऑब्जेक्ट विद इलेक्ट्रॉन्स. अगर हैवी मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर अपन इलेक्ट्रॉन की बौछार कर दें तो उससे क्या निकलती हैं, एक्सरेज. एक्सरेज तो जनरली देखते हैं, अपन एक्सरे करवाते हैं ना, बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है डॉक्टर लिख देता है अभी एक्सरे करवा के आओ, और अपन उसके पास जाते हैं वो कहते हैं यहाँ हाथ रख दो एक्सरे खींच देता है. तो एक्सरे प्रोड्यूस हम नॉर्मली करते हैं, कोई खास बात नहीं है. क्या काम आती हैं एक्सरेज आजकल, इसकी एनर्जी भी हाई होती है, वो कंट्रोल्ड फ्रीक्वेंसी डालता है आपके ऊपर और बहुत थोड़े टाइम के लिए डालता है. कॉस्मिक रेज के बाद दूसरा नंबर आता है फ्रीक्वेंसी में, एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की होती है. जिन साइंटिस्ट ने इनकी रिसर्च की थी ना उनकी उंगलियां काट दी थी इसने, शुरू में उंगलियां ख़त्म कर दी थी. रॉन्डसन ने एक्सरे की डिस्कवरी की थी. तो क्या काम आती हैं ये, हमारे बड़े काम की हैं. दीज आर यूज टू डिटेक्ट द लीकेजेस इन बिग टैंक्स. जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास बहुत बड़ा सीमेंट का कवरिंग होती है ताकि रेडिएशन बाहर ना आ पाए. तो उस सीमेंट की कवरिंग में कहीं लीकेज तो नहीं रहेगी जहाँ से रेडिएशन बाहर आ जाए. तो उस लीकेज को रोकने के लिए हम जो है एक्सरे से उसको चेक करते हैं. कोई हमने कंटेनर बनाया, हम उसकी लीकेज को चेक करने के लिए इंडस्ट्री में एक्सरे को यूज़ करते हैं. किसी की हड्डी टूट गई, कहाँ से हड्डी टूटी, कितनी हड्डी टूटी, ये पता लगाने के लिए हम एक्सरे को यूज़ करते हैं. तो ये मेडिकल में भी यूज़ की जाती है और इंजीनियरिंग में भी, इंडस्ट्री में भी यूज़ की जाती है. तो वी आर यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स इन इंडस्ट्री एज वेल एज इन ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी हमारे शरीर की आंतरिक संरचना, शरीर के अंदर घुसे भी ना हम ये पता लगा लेते हैं कहाँ से हड्डी टूटी हुई है. देखो कितना बढ़िया अरेंजमेंट है, एक्सरे कितना अच्छा काम करती हैं, लेकिन बहुत कंट्रोल्ड कंडीशंस में इसको यूज़ करना होता है. कॉस्मिक रेज, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट रेज. नंबर थर्ड हम करेंगे यूवी रेज. दीज आर ऑल्सो द हाई एनर्जी रेडिएशन, तीसरे नंबर पर आती हैं हाई एनर्जी के केस में. थर्ड इज यूवी अल्ट्रावायलेट, मैं पूरा लिख देता हूँ, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. दीज आर द रेडिएशंस विच आर कमिंग फ्रॉम द सन. सन से आ रही हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण है. लोग इसको समस्या के रूप में लेते हैं लेकिन मैं इसको एक गिफ्ट के रूप में लेता हूँ. भगवान ने एक गिफ्ट दिया, जब प्राइमेटिव ऑर्गेनिज्म आए, जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, उस टाइम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ने उनकी बॉडी के अंदर जेनेटिक चेंजेस किए, और जैसे जैसे उनकी बॉडी में जेनेटिक चेंजेस हुए वो इवॉल्व होते चले गए और लाइफ कॉम्प्लेक्स होती चली गई और धीरे धीरे हम आए. अगर धरती पे अल्ट्रावायलेट रेज नहीं होती तो हम कभी भी नहीं बनते. तो अल्ट्रावायलेट रेज कैरीज आउट द जेनेटिक चेंजेस. बाद में नेचर में धीरे धीरे जो है ओजोन लेयर बनी, ओजोन लेयर उसको अल्ट्रावायलेट रेज को कम कर देती है और काफ़ी कम पहुँच पाती हैं अल्ट्रावायलेट रेज. बट दी आर एसेंशियल फॉर मैनुफैक्चर ऑफ विटामिन डी अल्ट्रावायलेट रेज से ही बनता है. और आजकल वैसे ही मानते हैं कि दीज आर द कॉज फॉर कैंसर ऑल्सो. कैंसर क्योंकि जेनेटिक मटेरियल को अल्टर कर देती हैं, हमारे डीएनए के अंदर चेंजेस ले आती हैं, इसलिए कैंसर भी कर सकती हैं, कैटरेक्ट भी कर देती हैं, हमारी आँखों को भी, आँखों का जो कॉर्निया है रेटिना उसको भी ओपेक बना देती हैं. तो दीज आर हार्मफुल ऑल्सो. दीज आर ऑल्सो हाई एनर्जी रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन. हाई एनर्जी रेडिएशंस, दीज आर द हाई एनर्जी रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन. सूर्य से आ रही हैं, कमिंग फ्रॉम सन, एंड दीज आर हार्मफुल फॉर अस. ज़्यादा लोग इसको हार्मफुल मानते हैं, हार्मफुल फॉर अस
and these can cause cancer, can cause cancer, cancer कर सकती हैं, cataract कर सकती हैं, opaqueness of the cornea, ये जो है कर सकती हैं, high energy radiations हैं, glass को ये penetrate नहीं कर सकती, they cannot penetrate glass, तो अगर हमें धूप सेकनी है, धूप में बैठना चाहते हैं, तो खिड़की के अंदर बैठे हैं, ग्लास में से वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती, या आजकल कुछ क्रीम भी आती हैं उसमें सनस्क्रीन डालते हैं, सनस्क्रीम्स बोलते हैं उनको, उनके अंदर ऐसा एजेंट डालते हैं वो लेडीज़ फेस पे लगा लेती हैं ना, तो वो अल्ट्रावायलेट किरणें नहीं जा पाती और वो सेल्स जो हैं उनके डैमेज होने से बच जाते हैं, दीज हैव डैमेजिंग इफेक्ट ऑन द सेल्स, हमारे सेल्स को भी डैमेज कर देती हैं, जो अपर लेयर है ना स्किन की उसको सेल्स को डेड कर देती है, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, विजिबल रेज आर द रेज इन विच वी कैन सी, विजिबल रेज वो रेज होती हैं, इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया, चलो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, दीज रेज, रेज इन विच वी कैन सी आर विजिबल रेज, नंबर फोर, विजिबल रेज आर द रेज इन विच वी कैन सी, वी कैन सी वो किरणें जिसमें हम देख सकते हैं उनको विजिबल रेज बोलते हैं, दीज रेंजेस फ्रॉम 400 टू 750 नैनोमीटर, 400 से 750 नैनोमीटर तक होती हैं, ये आपको पता है छोटी क्लासेस में पढ़ाया जा चुका है, विबग्योर, विबग्योर, विबग्योर ये होती हैं, इसमें 7 कलर होते हैं, 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, तो दीज आर द विजिबल रेज, दीज आर द, दिस इज द रीजन वेयर वी कैन सी, ये वो एरिया है स्पेक्ट्रम का जिसमें हम चीज़ों को देख सकते हैं, हमें कोई चीज़ पीली नज़र आती है, कोई चीज़ नीली नज़र आती है, कोई चीज़ हरी नज़र आती है, तो हम विजिबल जोन में देख सकते हैं। नंबर 5 IR, इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन IR, दीज आर द रेडिएशन विच आर कमिंग फ्रॉम द फर्नेस, भट्टी से आ रही हैं, जो भी मेरे को गर्मी लग रही है, मैं भट्टी के आगे खड़ा हूँ, मुझे गर्मी लग रही है, तो वो गर्मी मुझे क्यों लग रही है, क्योंकि भट्टी से इंफ्रारेड किरणें लगातार मेरे से आगे टकरा रही हैं, तो दीज प्रोड्यूस द हीटिंग इफेक्ट, दीज आर द रेज विच कमिंग, विच आर कमिंग फ्रॉम द फर्नेस, रेज विच प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, विच प्रोड्यूसिस हीटिंग इफेक्ट, ऐसी किरणें जो गर्मी पैदा करती हैं उनको क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रेज, कई बार कंपटीशन में पूछ लेते हैं कि रिमोट कंट्रोल्स में कौन सी रेडिएशन यूज़ करते हैं, धीरे धीरे वेवलेंथ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इनकी वेवलेंथ इतनी हो चुकी है कि हम रिमोट से टीवी ऑन कर सकते हैं, आप अंदाज़ा लगाओ इतनी हो चुकी है कि इतनी दूर तक जा सकती हैं ये, ठीक है ना, तो कौन सी रेज यूज़ करते हैं रिमोट कंट्रोल्स में, इंफ्रारेड रेडिएशन, दीज आर यूज इन द रिमोट कंट्रोल्स, यूज इन, देख सकते हो क्या आप, ध्यान देना देना आप, रिमोट कंट्रोल का स्विच ऑन करो आप, क्या उसको देख सकते हो, दिखाई नहीं देती अपने को क्योंकि ये विजिबल जोन से बाहर है, यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल्स, रिमोट कंट्रोल्स में इसको यूज करते हैं अपन इंफ्रारेड रेडिएशंस को, सिमिलरली नेक्स्ट इज माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स एक तरह की रेडिएशंस होती हैं जिसकी वेवलेंथ कैसी होती है, हाई होती है एंड वेवलेंथ ज़्यादा होती है, और फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, कम होती है, एनर्जी कम होती है, काफ़ी कम एनर्जी होती है, दीज आर नॉट हार्मफुल फॉर अस, हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, हमारे लिए डैमेजिंग नहीं है, और ये यूज़ करते हैं इन द रडार्स, ठीक है, दुश्मन का हवाई जहाज जा रहा है, हम लगातार, आपने देखा होगा वो फौजी टैंकों के ऊपर छतरियाँ सी लगी होती हैं, लगातार घूमती रहती हैं, वो क्या करते हैं लगातार माइक्रोवेव्स को ऊपर भेजते रहते हैं, और वो माइक्रोवेव्स अगर दुश्मन का हवाई जहाज आया तो उसके साथ टक्कर मार के वापस आ जाएंगी और हमारे कंप्यूटर उसकी फ़ोटो बना देंगी, और अगर नहीं आया तो फिर वापस स्पेस में चली जाएंगी वो, तो माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन द रडार कम्युनिकेशन, रडार्स में यूज़ करते हैं इसको, माइक्रोवेव्स
आर द रेडिएशंस हैविंग हाई वेवलेंथ, वेवलेंथ ज़्यादा है इसकी, हाई वेवलेंथ एंड लो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी भी लो है, लो एनर्जी एंड लो फ्रीक्वेंसी, सो दीज आर यूज फॉर रडार, रडार के रूप में यूज़ किया जाता है। आपको बता दिया मैंने रडार क्या होता है। लास्ट इज रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स क्या होती हैं, रेडियो वेव्स क्या होती हैं, दीज आर द वेव्स हैविंग द वेरी वेरी हाई वेवलेंथ, बहुत ज़्यादा वेवलेंथ है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, हाईएस्ट वेवलेंथ, दीज आर द वेव्स हैविंग द हाईएस्ट वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है इनकी, हाईएस्ट वेवलेंथ, दीज आर द हाईएस्ट वेवलेंथ, ज़्यादा वेवलेंथ है तो ये लॉन्ग डिस्टेंसेज ट्रैवल कर सकती हैं, दे कैन ट्रैवल वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज, दे कैन ट्रैवल लंबी दूरी तक जा सकती हैं, लॉन्ग डिस्टेंसेज, दे कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज, लंबी लंबी दूरी तय कर सकती हैं ये रेडियो वेव्स। इसलिए आपने कभी सुना होगा इंग्लैंड से क्रिकेट का सीधा प्रसारण, सुना है आपने, इंग्लैंड में मैच चल रहा है, आप उसको इंडिया में देख सकते हैं, वो कहते हैं कि सीधा प्रसारण सीधा आ रहा है, तो किस रेड से आ रहा है, कौन सी रेडिएशन आ रही हैं, वो रेडियो वेव्स के थ्रू आ रहा है, ठीक है ना। तो दीज आर यूज फॉर रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्ट पर्पस, किस काम आती हैं वो, रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्ट के काम आती हैं वो, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, इसको बहुत ध्यान से बढ़िया ढंग से इसको याद करो, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, थैंक यू।